को विरोध करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता या अपने क्या किया खुद स्वयं की ताकत क्या है ये बताने की आपके पास कोई पूंजी नहीं होती, तो फिर आप विरोधियों को नाम रखना शुरू कर देते हो। किसान आंदोलन में ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आंदोलन जीवी है, क्योंकि आप स्वयं खोखले थे और बाद में उसी पाकिस्तानियों को, खालिस्तानियों को, चीन से पैसा लेने वालों को, नक्सलियों को, आंदोलन जीवियों को सामने आपको नतमस्तक होना पड़ा, तीनों कानून वापस लेने पड़े। यदि आप नक्सल किसको कह रहे हैं, अर्बन नक्सल आपको पता है गुजरात में घूम रहे हैं, फिर 27 साल से गुजरात में बीजेपी है, वो क्या कर रही है, ये अर्बन नक्सल कैसे पनप रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री यदि आप अर्बन नक्सल की बात करते हैं तो फिर उनका शासन तंत्र क्या कर रहा है, उन अर्बन नक्सल को अंदर क्यों नहीं कर रहा है, या फिर आप सिर्फ बदनाम करने के लिए बोल रहे हो। नक्सल, राष्ट्रद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, ये ऐसे शब्द है जिससे भारतीय समाज घृणा करता है। ये लांछन लगा के आप कहीं चुनाव में अपनी बाजी संभालने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बाजी हाथ से निकल गई है। बताने के लिए आप क्या कहेंगे, गुजरात के बेरोजगार युवकों को आप क्या कहेंगे, बढ़ती हुई महंगाई को क्या कहेंगे। आज मूंगफली का तेल जो गुजरात में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और गुजरात में जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन है, वह मूंगफली का तेल 3000 का लिमिट क्रॉस कर गया, यानी 1 किलो तेल 300 रुपये से ज़्यादा की कीमत मांग रहा है। यदि खाने का तेल 300 रुपये हो जाए तो फिर ऐसे में खाने वाला, वो उपभोक्ता अपने प्रधानमंत्री की आरती उतारेगा या फिर उन्हें बाहर का दरवाज़ा दिखा देगा। ये डर सता रहा है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस बड़े धीरे से काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सल है, क्योंकि वहां कांग्रेस तो अर्बन नक्सल नहीं है इतने दिनों से। आ वक्त कांग्रेस है नवी चाल चाली हुए मैंने लागे, मैं तपास तो नहीं कर, मन पहली नजरे लागे जे। पहला था कांग्रेस वाला हाकला पड़कारा करे, जोई ले सुन, पाड़ी ले सुन, अबे 20 वर्ष में पड़ा नहीं, एटले में नवू करियो बड़े, अने एटले सतर्क रहेवानी जरूर छे। आ कांग्रेस वाला बोलता नहीं पण ठंडी ताकत थी गामो गाम गोठवणो करी रह्या छे।